नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज साप्ताहिक रोजगार समाचार में हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट बीपीएससी एसएससी आईटी बीपी एनएफसी एसबीआई के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है ट्रांसलेटर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर कुल 39 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता, ग्रेजुएशन विद इंग्लिश एज वन द सब्जेक्ट विद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर के 37 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो एससी एसटी और ओएच के लिए 500 रुपये, अन्य के लिए 1000 रुपये निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 नवम्बर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.patnahighcourt.gov.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर दो पर हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट आर्किटेक्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर कुल 106 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहां आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क अनरिजर्व्ड। ओबीसी के लिए 750 रुपये, एससी एसटी फीमेल और पीएच के लिए 200 रुपये निर्धारित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 नवंबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर तीन पर हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है कांस्टेबल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर कुल 24,369 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिकुलेशन पास एंड रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर के 23 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहां आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन शुल्क सभी महिलाओं के लिए, एससी एसटी ई एक्सएसएम के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। वहीं अन्य से 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ssc.nic.in पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर चार पर हम बात करेंगे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर कुल 24 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। अनरिजर्व के लिए जहां 12 सीटें, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1 सीटें रिजर्व हैं। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विद डिप्लोमा इन फार्मेसी होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा 20 से लेकर 28 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, एससी एसटी ई एक्सएसएम के से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे। वहीं सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट से कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो itbpolice.nic.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर पांच पर हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ECIL हैदराबाद के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर कुल 345 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता, 10th पास एंड ITI इन रिलेवेंट ट्रेड होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 नवंबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.nfc.gov.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर छह पर हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर कुल 1422 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता, ग्रेजुएशन एंड गुड नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। वहीं आयु सीमा 21 से लेकर के 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहां आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क अनरिजर्व्ड। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये, एससी एसटी पीएच के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 नवंबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो sbi.co.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर सात पर हम बात करेंगे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल कांस्टेबल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर कुल 186 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 पास एंड सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक एंड 3 ईयर्स एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और 10th पास एंड ITI इन रिलेवेंट ट्रेड होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर के 25 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहां आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.itbpolice.nic.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। रोजगार से जुड़े समाचार से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।